क्या है परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से मिले, आप भी कल मिले थे, उन्होंने बोला कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, परिवार के साथ वो खड़े हुए हैं, पुलिस चौकी भी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पिछले 2 महीने मैंने लगातार पत्रों के माध्यम से डायरेक्ट कहा कि आप मध्य प्रदेश क्राइम की राजधानी बताया जा रहा है, आप गंभीरता पर इस पर विचार करें। फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि यहाँ रोज हम 3C का बोलबाला हो गया है, क्राइम, करप्शन और कर्ज का। मुख्यमंत्री जी आप एक पद के संभाले, गृह मंत्रालय की जवाबदारी किसी और को दे। हमने उनसे सजेशन किया, ओपन भी किया, पत्र के माध्यम से भी किया। चूंकि मध्य प्रदेश अब जंगल राज हो गया है और मुख्यमंत्री जी जिस परिवार से मिले, उस परिवार जिसकी सबसे ज्यादा शिकायत करता उनके को साथ ले जाके मिले, मतलब क्या है, आप किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? अब आप गए तो आपने किया क्या? न आपने सरकारी जो औसत होती है वो मुआवजा या वो सहायता की पीड़ित परिवार की, एक बेटी की हत्या हुई, उसके भाई की हुई, उसके चाचा की हुई, और माँ एक मात्र गवाह इस पूरे हत्याकांड में बची, उसकी सुरक्षा की परेशानी है। आखिर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया उस परिवार का जाके, ये स्पष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस को कोसा, चूंकि कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। हमने मुख्यमंत्री जी से खूब पत्राचार किया, खूब आरोप प्रत्यारोप किए, खूब बयान दिए, खूब सजेशन ओपन दिए। हमने कमेटी गठित की है जो मध्य प्रदेश की जंगल राज की जो कहानी बनी है, जो एक स्पष्ट पृष्ठभूमि बनी है, इसको आखिर प्रदेश का भविष्य सहेगा कैसे? यह हमारा दायित्व है कि जंगल राज नहीं बने। हम पूरे 2 महीने के घटनाक्रमों को, किस तरह के घटनाक्रम हुए हैं उससे भी अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, और आगे सजेशन भी देंगे क्या होना चाहिए। तो वेंडेटा की पॉलिटिक्स, बदले की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करें। कांग्रेसियों को डराना, धमकाना और बीजेपी ज्वाइन कराना, इसमें सरकार लगी रही, कानून व्यवस्था लगा रहा, पुलिस लगी रही, प्रशासन लगा रहा, और इधर जंगल राज बन गया, तो आखिर इसके लिए दोषी सरकार ही है ना। तो मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप ये बदले की भावना की व्यक्तिगत पॉलिटिक्स बंद करो, प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने में कांग्रेस पार्टी आपको सजेशन देगी। हम कमेटी गठित कर रहे हैं। कौन कौन रहेगा इसमें कमेटी? नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में सब काम होगा। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है एसटीएससी ओबीसी का, भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक दूसरे के पर्याय है। कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बात धर्म के आधार पर नहीं की, जातियों के आधार पर आरक्षण की बात की थी, की है और करेंगे। दूसरी बात, जो बीजेपी है सच बोलती नहीं, गुमराह करती है। अरे आप जेपी नड्डा जी, देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा है, देश हमारा है, कौन दोषी है? सबसे बड़ा महंगा प्रदेश पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज्यादा खाने पीने की चीजें महंगी यहां हो गई, कौन दोषी है? सबसे बड़ा क्राइम, करप्शन आपने किया है, आपने सीधे पैसे ले लिए, जिनको ठेका दिया उनसे भी बीजेपी में, जिन पे ईडी की कार्रवाई की उनसे भी ले ली, और जिनके पास थे ही एक कंपनी 181 करोड़ ले लिया उससे 1100 करोड़, करप्शन का पर्याय हो आप। ये सब दोष देश में, हर तरह की अराजकता, इसके लिए दोषी कौन है? और प्रधानमंत्री की भाषा कैसी है, आपकी भाषा कैसी है, अमित शाह जी की भाषा कैसी है? नफरत और घृणा के अलावा आपका कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं निकलता मुंह से आपकी? 10 साल का हिसाब क्यों नहीं देते? 5 साल आगे क्या करोगे उसकी कोई कुंडली क्यों नहीं बताते? सिर्फ कांग्रेस को दोष देके चुनाव कब तक जीतना चाहते हो? अपने धर्म की अदायगी करे जेपी नड्डा।